ईवीएम पर सवाल खड़े करने वालों की अब खैर नहीं। यदि आप ईवीएम पर सवाल खड़ा करेंगे तो इस पर चुनाव आयोग बड़ी कार्यवाही करेगा। इस बात की जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ती है, पर कांग्रेस का आयोग पर सवाल खड़ा करना अपनी हताशा को दर्शाता है। देखिए क्या है पूरा मामला। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की खास रिपोर्ट। देखिए ईवीएम को चैलेंज करने के अवसर हर राजनीतिक दल को है। अब तो मुझे जानकारी मिली है कि निर्वाचन आयोग भी ईवीएम में प्रश्न खड़ा करने वालों के ऊपर भी कार्रवाई कर सकता है। हर दल स्वतंत्र है अपनी बात रखने का, और आयोग के द्वारा चुनाव कराए जाते हैं। आयोग को प्रश्न खड़ा कर कांग्रेस जो है अपनी हार की हताशा को प्रदर्शित करती है। जहां वो जीतते हैं वहां ईवीएम सही, जहां वो हारते हैं वहां ईवीएम खराब। और ईवीएम अगर सही खराब थी तो पिछली बार राजस्थान के अंदर क्या हुआ, इसके अलावा दूसरे राज्यों झारखंड के अंदर क्या हुआ, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या हुआ, और आज अगर हार हो रही है ईवीएम खराब। तो अब जनता इस जुमले को समझ चुकी है, कांग्रेस अपनी हार बर्दाश्त करने की क्षमता रखे। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।